एक्सपीरियंस हो वो चुका है ठंडा आराम से आराम से आराम से। हाँ था ना, एक बार हाथ ठंडे में लगा। अभी देखो सब लोग देखो, गौर से देखो। और इधर से ना जब हम वहां से आ रहे थे, एक लेडी ने गाय लेके जा रही थी, देखो गोबर भी पड़ा है। गायें कितनी समझदार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। भाई सुबह के 10 के करीब का टाइम हो चुका है, हम लगभग 8 बजे उठ गए थे, उसके बाद बैठे रहे, थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह करी और अभी चाय वगैरह पी के आए हैं। और भाई इधर अपनी कैंपिंग थी, रात को ना गर्मी लगती रही, पता क्यों? क्योंकि भाई इधर ना नीचे ज्वालामुखी है, तो मैंने आपको कल भी दिखाया था ना। ओह भाई तो गिर गया था पावर बैंक। ज्वालामुखी ये देखो नीचे वाइट वाइट दिख रहा ना, ये सॉरी गर्म धरती है, तो यहाँ पर ठंड तो लगती नहीं है, तो नीचे से ना हीट आती रही, अंदर गर्मी लगती रही। तो इस चक्कर में ना बस ना नींद आई ना अच्छे से सो पाए, बट फिर भी चल थोड़ा बहुत सोए हैं। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ नहाने, कहाँ जो गर्म पानी का झरना है, झरना नहीं हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, स्रोत, गर्म पानी का स्रोत है, जो जो जिसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा और त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक है, वहाँ पर जा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से एक बार शोर से थोड़ा सा दिखा देता हूँ, भाई ऑक्सीजन की कमी है ना, सांस ही चढ़ रही है। देखो भाई ये सारा गर्म पानी है, देखो इसमें सल्फर है ना, सारा वाइट वाइट हो रखा है, तारबंदी कर रखी है जिनका होटल है ना इनका, इन्होंने इधर नहाएंगे, आगे जाकर उधर साफ पानी है, वो ब्रिज दिख रहा है छोटा सा, उसके आसपास जाकर नहाएंगे, सारा वाइट वाइट ऐसे हो रखा है जैसे नमक निकलता हो। और वो देखो धुएँ उठ रहे हैं ना, ये सारे दिख ये धुएँ ना इसे नदी में भी उठते हैं सारे, बट अभी नदी का पानी ज़्यादा हो चुका है ना, तो धुएँ बंद हो चुके हैं। ठीक है फिलहाल अभी भैया जी बोले बाल्टी लेके जाओ, बाल्टी और डब्बा, बाहर बैठ के नहा लेना। मैंने बोला अंदर अलाउड नहीं है, बोले कोई चक्कर नहीं अंदर भी नहा लेना, बट फिर भी बाल्टी और डब्बा ले जाओ जिसमें अच्छे तरीके से नहा लो। फिर मैंने भी सोचा कि अब तो अंदर कोई साहब मुझे नहाने दे, कुछ भी हो सकता है, कोई मान्यता भी हो सकती है इनकी अपनी इस चक्कर में। ओ भाई सांस चढ़ गया, तो फिर मैंने सोचा डब्बा लेके चलते हैं और नहाते हैं जाकर। लो जी सारा सामान ले लिया, कपड़े तौलिया वगैरह ब्रश वगैरह सब कुछ ले लिया। अभी प्रदीप भाई को बोला है वो शैम्पू लेने जाएंगे, शैम्पू से नहाएंगे अच्छे तरीके से। प्रदीप भाई किधर से जाना है? गुड मॉर्निंग नहीं बोला तूने? हाँ गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज ऐसा ऐसा कुछ जगह दिखाऊंगा ना, मैं तो दिल खुश हो गया, कल ही देखा था लेकिन कल वीडियो नहीं। आज हमारे सारे चरम रोग खत्म हो जाएंगे। हाँ आज जो भी है सल्फर वाला तो... चलाता रहा बात करते रहा। आज कपड़ा वगैरह सब कुछ धो देंगे, अभी थोड़ा बहुत सारा लोग कमेंट कर रहा था मुझको वो हटाना है, कोशिश करेंगे जितना तक हो सके। हाँ इसकी दाढ़ी देखते अगर नहीं मिल गया ना बाल काटने वाला, इसकी दाढ़ी कटवाएंगे। इधर ही इनके रूम है भाई, अभी हम जा रहे हैं जी हॉट स्प्रिंग वाटर भाई चुमा थांग में, वहाँ पर दिखाते हैं आपको गर्म पानी के नज़ारे, नहाएंगे। और भाई यहाँ ओ भाई ब्रिज भी ना छोटा सा, ये तो है ना, मैं कल उधर भी आया था। कहाँ तक वो बोल रहे यहाँ नहाने का सिस्टम भी बना रखा? हाँ ये है उधर बाथरूम जैसा बना हुआ है नहाने के लिए सकते। और मैंने ये सारा गर्म पानी का स्रोत है भाई, और फ्रेश उबलते हुआ पानी ये मेन तो यही है ना, इन्होंने देख अच्छा एक बार इनको बेनिफिट है इधर लोगों को। हाँ, ये देखो पूरा साफ पानी है, और यहाँ पे अगर राइस वगैरह जैसे मिनीकरण पे हम लोग राइस वगैरह हाँ, करते हैं ना पक जाते हैं हाँ, तो यहाँ पे भी खाना बन जाएगा, कुछ करने का जरूरत है नहीं। और उस साइड में भी उस साइड में ज्यादा गर्मी है, ये ठीक है क्योंकि बाहर नहाया जाएगा ना। एक और है इनको पानी गर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ये देखो यहाँ से भी ट्यूबवेल छोटी सी मोटर लगा रखी है भाई, इसका पानी टैंकी में भर लेते हैं और गर्म पानी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे जितना सारा टूरिस्ट लोग आता है ना, वो टूरिस्ट लोग उधर वो बाथरूम बना हुआ है उसमें नहाते हैं, उसमें नहाते हैं। हम तो खुले में नहाने वाले बंदे हैं, हम तो यहीं नहा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। भैया बोल रहे जिधर मर्जी जहाँ मर्जी नहाओ, या कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। प्रदीप भाई शैम्पू लेके आएगा? हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। तो शैम्पू लेके और क्या लेके आना है? शैम्पू लेना है, साबुन है? साबुन है मेरे पास, शैम्पू का ही कमी है, बाकी तो सब कुछ ठीक है। लेके आ तब तक मैं इधर देखता हूँ कितना गर्म पानी है भाई। ओ भाई क्या नज़ारे है यार, प्रकृति भी ना अपने अलग ही रंग बिखेरती है भाई इधर। लो भाई एक बार पानी का ट्रायल कर लेते हैं, कहीं एकदम से नहाने चले गए और ज़्यादा गर्म हुआ ना तो जो मणिकरण में होता ना वैसा हो जाएगा, हाथ लगा के देखते हैं। ओ भाई ये तो पूरा जल रहा भाई, कम से कम टेम्परेचर होगा इसका 100 के आसपास, इसमें तो नहा नहीं सकते भाई, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। ज़्यादा ओह नहीं नहाया जाएगा भाई, बिल्कुल भी नहीं नहाया जाएगा, बहुत ज़्यादा सीधा तीखा गर्म पानी आ रहा है, शायद भगवान का हीटर चल रहा है नीचे, वो ज़्यादा गर्म कर दिया, उसने बंद करना भूल गया भगवान जी इसको।
तो बोलते हैं उनको थोड़ा बंद कर दो। उधर पता क्या चक्कर, मेरे को लगा बाथरूम इसीलिए बना रखे हैं, वहाँ नहाने की व्यवस्था अच्छी होगी, ज़्यादा गर्म पानी नहीं, दोनों मिक्स आते होंगे, वहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल आप ये बावड़ी टाइप देख लो एक बार, पूरा तिखा ताज़ा गर्म पानी भाई, पूरा साफ है, क्लियर पानी बड़ा साफ है, ये चीज़ माननी पड़ेगी। देखो नीचे तक पत्थर दिख रहा है, अगर कोई इसमें छलांग लगाएगा दोबारा बाहर कैसे आएगा भाई? नहीं आ पाएगा। इधर भी इनके नहाने का सिस्टम तो है भाई, उसमें ठंडा पानी है नहीं है क्या सिस्टम है पता नहीं, देखे एक बार क्या चक्कर है। और भाई ये तो पानी जल जल के ना नीचे काई जमी हुई है, पापड़ी टाइप होती है ना वो जली जमी हुई है भाई। चलो भाई ये भी देखने को मिल गया भाई, किस्मत में था। इधर ये ताले लगे हुए हैं भाई, इनका ही होगा भाई लोगों का। और इधर ये ना पेड़ ये वाले पेड़ होते हैं भाई, ऐसे डंडे से लगा देते हैं, ये पानी हो सूखा सूखा सब जगह हो जाते हैं। सरसों खेती है, बीच में जवी वगैरह है, फूल वगैरह काफ़ी उगे, फूल तो नहीं है शायद कुछ होता होगा, मैंने पूछा नहीं किसी से, पूछूंगा ये पीले पीले फूल वाली क्या चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा देखे मैंने इधर। और भाई इधर ना पहाड़ों के ऊपर ऐसा ना नमक सा निकला हुआ वाइट वाइट, जैसे मैं दिखा रहा ना आपको, ये सारा वाइट वाइट निकला हुआ है, क्योंकि गर्म पानी का स्रोत है ना सभी पहाड़ियों पर मिलेगा। चलो भाई अभी प्रदीप भाई आते हैं, उनसे पूछते हो भी उधर पानी देख लेना कैसा है, यहाँ तो नहीं नहाया जाएगा भाई, कभी ज़्यादा ठंडा होता है कभी ज़्यादा गर्म होता है, हमारी टेंशन ख़त्म नहीं होगी भाई। प्रदीप भाई शैम्पू ले हैं साथ में, साबुन भी लेके आए हैं। प्रदीप भाई ऐसा करते हैं इसमें नहाया नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्म है ना। कहाँ से आए सर? नागपुर। ओके जी, टूरिस्ट। अरे मैं शुक्र करो सोचा मैं पहले हाथ लगा के देख लेते कहीं छलांग लगा दी तो बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है भाई चलो ठंडा पानी लेके आता हूँ, मिक्स करके नहाता रहूँगा। नहाना यही है इसके पास बैठ के, इधर ही ना ठंडा कहाँ से मिलेगा वो बाथरूम पे है पानी। ठीक है भाई ठंडे पानी की बाल्टी लेके आता हूँ, उसके साथ फिर मिक्स कर करके नहाता रहूँगा, नहाना यहीं पर है, उधर सिस्टम तो है छोटो पर, इधर ही नहाएंगे भाई। दोस्तों देखो पानी कैसे उबल रहा है यहाँ पे, और ये पानी से तो डायरेक्ट नहाना नहीं होगा, तो इसीलिए अभी जीतू भाई गया पानी लाने के लिए। अरे आगे इधर तो सारा पानी नॉर्मल है, ठंडा है ही नहीं है, ठंडा नहीं है ना, ये भी गर्म गर्म सही है। नहीं इधर से डायरेक्ट वो पाइप लगा हुआ है ना वो टैंकी में जाते हैं पानी, नहीं जो ट्यूबवेल है ना बोर लगा है हाँ। वो भी गर्म ही फेंकता है, सल्फर ही है ना पूरा नीचे हाँ। पूरा सल्फर है, नॉर्मल नहाने का ऐसे ही है हाँ। तो फिर भी गर्म डाल लेंगे। सही सही। ठीक है भाई नहाते हैं सल्फर के हॉट स्प्रिंग वाटर के गर्म पानी से भाई, चुमा ठंग मजा आएगा। कितने नहाऊं यार? उस साइड में नहाओ ना, ये साइड खाली हाँ, भी है वो साइड में हाँ। पर लीटर पानी जाता हाँ, पानी उधर भी चला जाएगा तो, हाँ। इसमें पानी डाल लेता हूँ हाँ। दो मग डालोगे ना हो जाएगा भाई, नहीं तो ज्यादा गर्म हो जाएगा। ओ भाई दो मग बहुत ज्यादा डल जाएगा आएगा हाँ हाँ। देख लो आराम से देख लो, नहीं तो बाल बाल जल जाएगा भाई। मतलब मणिकरण साहिब में क्या है उधर पे ठंडा पानी भी मिक्स करता रहता है नल से, काफी बड़ा है ना वो, तो इस चक्कर में वहाँ पानी ठंडा होता रहता है। हाँ इधर नहा, और ये वाला पानी थोड़ा गंदा है लेकिन ये भी सल्फर वाला पानी ही है, गंदा नहीं है ये, क्या होता है वो सूखा हुआ पानी है ना, गर्म हो के ना ऐसा लग रहा है, गंदा नहीं है पानी, साफ है, नीचे काई जमी हुई है। हाँ सही, तो भाई पूरी आग जमी हुई है। वो भी ले आता ये पूरा आज पूरा मस्त लगेगा, क्योंकि ये देखो पूरा नेचर का मजा लेते लेते ये देखो पूरा पहाड़ ये सब कुछ देख के भाई। पहाड़ों पर भी नमक सा निकला हुआ वाइट वाइट सा, सल्फर है ना सारा, गर्म पानी है नीचे से, लावा कभी ना कभी फूट जाएगा इधर लग रहा है मेरे को, ज्वालामुखी फूट जाएगा सच्ची। मेरा ऐसे कम से कम 6-7 एक्सपीरियंस हो चुका है, आराम से। वो ठंडा था ना एक बार हाथ ठंडे में लगा हाँ। तो गर्म लगा नहीं शुरू में, दूर से ठीक है भाई। उबलता कैसे, भगवान ने नीचे हीटर लगा रखा है? नहीं सल्फर है ना हाँ। चूना में कभी पानी लगाया हाँ? चूना देखते हो ना व्हाइट कलर का जो हाँ, जब उसको भिगोते हैं हाँ, ना हाँ, 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 वही इसी हिसाब से मतलब ओए पानी जाने का भी जगह है हाँ एकदम। ठीक है भाई अभी नहाते हैं फिर मिलते हैं भैया, गमछा काम आ गया।
बिगलू भाई का सारा सामान मेरे पास रह गया, वो कैसे सरवाइव कर रहा होगा भाई, उसका भी कुछ नहीं पता। और अंकुश और तो मनाली पहुंच गया भाई, प्रदीप भाई पहुंच गया ना, और टिकलू तो आगे निकल गया, कुल्लू में है शायद। कौन टिकलू? टिकलू उधर जा रहा शायद मणिकर्ण की तरफ मेरे को लग रहा है। अच्छा पार्वती वैली नींबू वाला शैम्पू है हाँ, वो साबुन है पार्वती वैली, हाँ शायद उधर ही जाएगा। बिना आधार कार्ड के कमरा कैसे मिला होगा? नहीं मिल जाता, एक रिकॉर्ड है ना। हाँ गर्म अभी बियर, कोई बात नहीं वो ठीक हो जाएगा थोड़ा, वो तुम करोगे ना बॉडी एडजस्ट कर लेगा है? बॉडी एडजस्ट कर लेगा पर त्वचा लाल हो जाएगी। पहले पानी ना नीचे डालना चाहिए पैर पे, पेड़ पे नहीं पैर पैर, अच्छा पैर पे, हाँ पैर पे, ये है पेड़ पर कहाँ पेड़ है ही नहीं ओ भाई ना, पहले अगर तुम बालों पे लगाओ पानी डालोगे ना हाँ। वो क्या एक हीट आता है ना नीचे से ऊपर तक हाँ, हाँ। तो बाल झड़ने का ज्यादा चांस रहता है, इसलिए पैर को भिगा के फिर ऊपर में पानी डालना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पता है मुझे। ठीक है भाई अभी नहा धो के ना फिर मिलते हैं भाई आपको, फिर एक और राउंड व्यू दिखा देंगे, सारा एरिया दिखा देंगे जो कुछ दिखाने लायक है। शाम को उधर चलेंगे नदी के पास। हाँ नदी के पार जाना पड़ेगा काफी दूर से। नहीं कोई बात नहीं ना, आज तो दूसरा काम है नहीं मेरा हाँ। जो भी काम है अभी कर लेता हूँ, कपड़ा वगैरह धोना है और कुछ पेंडिंग काम है उसको करके फिर निकल जाएंगे शाम को, थोड़ा राउंड लगा के आएंगे। ओके चलो भाई। ठीक है भाई। ओ भाई साहब मजा आ गया नहा आ गया सच्ची यार, गर्म गर्म पानी, यहाँ तो ज़्यादा गर्म होता है मज़ा आता है, यहाँ ज़्यादा ठंडा होता है मज़ा आता है ना, बट मैंने इसमें ठंडा मिला है, गर्म से नहाने की हिम्मत नहीं है, नहा ही नहीं सकता कोई क्योंकि ज़्यादा ही बहुत ही ज़्यादा 100 डिग्री टेम्परेचर होगा जब उबर रहा है, 100 तो होगा ही भाई। बाकी ठीक है भाई, अगर ना थोड़ी सी ठंड ज़्यादा होती ना तो यहाँ से पूरी भाप निकलती है ना, अभी भाप नहीं है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की आएगी, शाम के टाइम पे एक बार कोशिश करेंगे तब आएगी ना, तब आएगा। चलो अभी तू नहाना पहले कपड़े धोने हैं, मैं कपड़ा धोऊंगा। ओके ओके चलो ठीक है, फिलहाल अभी नहा लिया है, उसके बाद आपको थोड़ा सा इधर का राउंड व्यू दिखा देता हूँ मैं, तब तक उधर जाके ये आसपास के एरिया बस यही मेन है इधर का, इधर आके रिवर में मिलता है क्या ये? बंद है रिवर? रिवर मिलता है, बंद है? नहीं रिवर है आगे, रिवर में जाके मिल जाता है। अच्छा मैं सोचा बंद है, चल दिखाता हूँ मैं। ठीक है तो अपना काम कर ले, तब तक मैं सारा कुछ निपटा जाता हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो यहाँ से घास नीचे से ना जला हुआ भाई, बट फिर भी हरा है, हिम्मत है घास की भी, इतने गर्म एरिया में गर्म पानी में भी हरा है। और ये जी हॉट स्प्रिंग रिसोर्ट चुम्मा थंग जहाँ पर हम रुके हैं भाई, इधर से आए थे और अभी इधर चलते हैं, छोटा सा ब्रिज है ये देखो भाई, ये छोटी सी रिवर के ऊपर बना हुआ भाई, सारा पानी गर्म ही गर्म है भाई, उधर भी बाँप निकल रही, उधर भी दिखाते हैं भाई। सच्ची यार अभी ना ठंड भी नहीं लग रही, गर्मी भी नहीं लग रही, बिल्कुल ओके है। अभी जाएंगे वहाँ पर तेल वगैरह लगा के रेडी शेडी हो जाएंगे, फिलहाल मैंने सोचा पहले दिखा ही देते हैं बार बार क्या इधर आएंगे भाई। ये लिखा है इसके बारे में कुछ भाई, वेलकम टू चुम्मा थंग हॉट स्प्रिंग नेशनल एडमंड, पढ़ लेना भाई यार, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी कुछ, आपको पता ही है भाई, ये पढ़ लेना भाई। वी होप यू हैव ए वंडरफुल एक्सपीरियंस एट चुम्मा थंग हॉट स्प्रिंग भैया, सारा गर्म पानी है, ये इधर भी गर्म पानी निकल रहा है और ये भी गर्म ही है, इसके अंदर भी सारा, मतलब जहाँ भी देखोगे ना ये जो पानी निकल रहा है ये सारा गर्म ही है, ये शायद गर्म नहीं लग रहा, इसमें भाप तो निकल रही, हाथ लगा के देख नहीं सकते। नो लिटरिंग ओके, इधर वाशरूम बने हुए नहाने के लिए भाई, इधर इसमें सारा गर्म ही है, इधर भी एक रेस्टोरेंट है और ये देखो कितने उबाले मार रहा भाई, आवाज़ देखो ऐसे लग रहा है किसने नीचे भट्ठी जला रखी हो। चलते हैं आगे दिखाते हैं जहाँ पर ये एंड होती है, आगे रिवर में जाके मिलती है। ओ भाई किधर किधर क्रॉस होना पड़ रहा है, लो जी आगे वो ना पाइप से दिख रहे हैं, वहाँ से आगे रिवर चल रही है, बट पानी इधर नहीं आ रहा, इसका पानी उधर ही जा रहा थोड़ा बहुत, बाकी रुका हुआ है, ज़्यादा चल नहीं रहा। ठीक है भाई, ये मेन चुम्मा थंग का हॉट स्प्रिंग यही है जो इतना यहाँ से लेके वहाँ तक, बाकी कई कई जगह निकलता भी है, वो रिवर के अंदर निकलता, वो दिखा नहीं सकते, रिवर का पानी कम होता तो दिखा भी देते। आगे चलते देखते पानी चलता क्यों नहीं है। लो जी ये वाला बोर में पाइप से लगे हैं, अब ऊपर चढ़ना पड़ेगा यहाँ से। ओ बले
चढ़ गए भाई यहाँ पर ना, ये रिवर के लेवल पर है तो पानी उधर ही जा रहा है, ये देखो उधर ही जा रहा सारा पानी नदी की तरफ ही। यहाँ मिक्स है, यहाँ बंदा नहा सकता है, गर्म और ठंडा दोनों पानी मिक्स है भाई। ठीक है फिलहाल चलते हैं भाई, इधर से चलते हैं साथ साथ में, आगे एक डॉगी भी है बट कुछ नहीं बोलेगा। चलो भाई ठीक है। लो जी अभी अपना जी टी टाइम 12:30 का टाइम हो गया। कुछ चेंजिंग लग रही है आपको? कुछ चेंजिंग देखो लग रही होगी आपको। हाँ चाय पी रहा हूँ। चाय पी नहीं रहा, दाढ़ी काट लिया, छोकरा सा लगने लग गया भाई। हाँ, वो थोड़ा कोशिश किया खुद से क्योंकि यहाँ पे तो कोई सैलून वगैरह है नहीं, तो एक अब थोड़ा निखार सा आया, थोड़ा सा रंग नहीं। एक्चुअली मैं सब कुछ प्लानिंग हिमाचल के लिए रखा था। अच्छा, आएगा हिमाचल में और एक अलग लुक्स आ जाएगा। अच्छा अच्छा, हिमाचल बाबा बनेगा, बाबा बनेगा, बड़े बड़े बाल रख के लग रहा भाई। चलो अच्छा है भाई, जब कोई ऑप्शन ना हो ना तो खुद ही ऑप्शन ढूंढना पड़ता है भाई। ठीक है आप सही है, तब थोड़ा ज्यादा लग रहा था, सभी बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे। मुझे बहुत सारा लोग बोल रहे थे, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी कर रखी है। मैं तो रखता हूँ चल, इसलिए नहीं, मैं तो बाबा बनने का ही प्लानिंग था, इतना बड़ा दाढ़ी बाल नहीं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। हिमाचल में आएगा एक अलग लुक आएगा। ये लद्दाख है ना, लद्दाख में एक्चुअली बाल को ढक के रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? और स्किन के लिए ये जो धूप है ना बहुत खतरनाक है बहाना। और लद्दाख नहीं नहीं सच्ची में बोल रहा हूँ, लद्दाख में जो भी आए ना आप लोग बाल हो सके तो ढक के रखने का कोशिश करना, बहुत खतरनाक है। ठीक है भाई अपनी चाय चल रही है और बाहर का कुछ ऐसा माहौल हो रखा है, उधर धूप है, कहीं ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, वो बात यहाँ पर यूज होती है। 2 मिनट में धूप, 2 मिनट में छाया, 2 मिनट में ठंड और 2 मिनट में गर्मी भाई। ठीक है अभी ना शाम को जाएंगे, वहाँ पर एक ब्रिज है उधर से घूम के आएंगे, वो हरा घास का मैदान है ना वो आगे वाला रिवर के उस साइड, वो दिखाएंगे अच्छे तरीके से और शाम को वहाँ बैठेंगे एंजॉय करेंगे। और तेरे पास चार्ज कर लिया? मैं तो बाहर ही रखा था ना, चार्ज लगा देना उसके चार्जर से, वहाँ जाके म्यूजिक सुनेंगे आराम से, गाना सुनेंगे, मतलब एक टाइप की छोटी सी पिकनिक टाइप कर लेंगे वहाँ पर, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, कल को निकल जाएंगे आगे के सफर की ओर भाई। ठीक है अभी ना 4:45 के करीब का टाइम हो चुका था, मैंने सोचा उधर चलते हैं जो हरा घास का मैदान है रिवर के दूसरी साइड, पर तभी मौसम देखो भाई कैसा हो चुका है, बादल भाई पूरी तगड़े वाली हो रही है, पहाड़ों पर तो पूरी बारिश और यहाँ पर भी बारिश आ गई है भाई। ये देखो यहाँ 2 मिनट में पता नहीं लगता कैसा मौसम हो जाता है, वो देखो इधर तो पूरा बुरे हालात है। प्रदीप भाई मैं सोच रहा था उधर चलते, बारिश आ गई है। अरे मेरे कपड़े भी तो भीग जाएगा। कहाँ सच कपड़े कपड़े ले आ भाई, प्रदीप भाई ने कपड़े सुखा रखे, कहाँ डाले हैं? साइकिल के ऊपर ही रखा। ले आ जल्दी भीग जाएंगे, तेज बारिश है, बाकी यहाँ पता नहीं लगता बारिश का यार, जब तक अभी तू कपड़े उतारने जाए उधर लेके लेने जाए इतने बारिश रुक जाए, बाकी फिर भी ले आ, यहाँ अंदर डाल देना, यहाँ जगह अच्छी है। ठीक है भाई उधर रोशनी भी है, पहाड़ के ऊपर सूर्य देवता भी हैं, बादल लग नहीं रहे इतने, बाकी थोड़ा सा छोटा सा बादल है ना उसी ने बरखा कर दी है। ठीक है अभी थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर मौसम साफ हो गया ना फिर उधर चलते हैं, फिर वहीं मिलेंगे आपको भाई। और क्या आज तो कुछ था ही नहीं, बस नहा लिए, कपड़े धो लिए प्रदीप ने, और बस इधर बैठे रहे, टाइम पास कर रहे, कुछ वीडियो वगैरह कर लिए। हाँ एक इंस्टाग्राम पर रील डालनी है, अभी बनाई थी मैंने हॉट स्प्रिंग वाटर की, वो डालनी है, वो डालते हैं पहले। नेटवर्क उसे एयरटेल के मिलता है अगर जियो का नहीं मिलेगा भाई। भाई जल्दी आ जा जल्दी, फिर तेज आ गई बात यार, क्या सिस्टम हो रखा है यार साइकिल तो बाहर ही रहने दे, वो टूटेगा 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 टूटेगा। कवर किधर है? ओ किधर है? लिफाफा दे उधर से पकड़ा दे, जल्दी पकड़ा दे, अरे बिक जाएगा ये, इतने में तो काम हो जाएगा भाई, बारिश एकदम तिखी आ गया, जल्दी दे 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 भाई रात को सोना मुश्किल हो जाएगा अरे बिक गया अंदर सामान सारा। बस बस बहुत है बहुत, यहाँ पकड़ ले, बस 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 थोड़ी देर का ही है, 2 मिनट का जलवा दिखाता है बस, ये ज़्यादा नहीं है ऐसा दिखा दे तोड़ देंगे तोड़ देंगे एक तो माता ऐसे पता नहीं क्या कर देगा, बाढ़ ला देगा बट फिर रुक जाता है 2 मिनट में। और इधर अपना नेशनल फ्लैग लहरा रहा है भाई। लो जी इधर आके बैठे थे भैया के पास, फिर ना बारिश आ गई दोबारा, फिर पहले वहाँ बैठे तब बारिश आ गई, दोबारा फिर बारिश आ गई, फिर अब मैंने सोचा निकल ही जाते हैं, बारिश तो आती जाती रहेगी, उधर कह रही है देख के आते हैं नहीं तो रह जाएगा भाई, क्योंकि अंधेरा होने वाला है,
पाँच के साढ़े पाँच के करीब का टाइम हो गया, ज़्यादा लेट हो गया तो फिर देर हो जाएगा, फिर वो जगह रह जाएगी। अभी निकलते हैं, थोड़ा भीग जाएंगे, शाम तक सूख भी जाएंगे, कोई चक्कर नहीं है। जीतू भाई ये जो पत्थर है ना, पत्थर को लगा के रख देना, मैं ऐसे मैं ऐसे लकड़ी को भी रख के दिया हूँ उधर, हवा में उड़ी गए। हाँ नहीं फिर अंधेरा हो जाएगा। हाँ बहुत जोर से भाई। वो ब्रिज दिख रहा तेरे को? ब्रिज दिख रहा जहाँ से हमने जाना है? होगा एक किलोमीटर यहाँ से ना होगा, वो गायें आ रही हैं उधर से 800 मीटर। हाँ मतलब 1.25 किलोमीटर होगा। प्रदीप भाई रिवर गहरी नहीं लग रही है, पत्थर दिख रहा है। अरे भाई वो पत्थर बड़ा पत्थर है। अच्छा काफ़ी बड़ा होगा, ऊपर से थोड़ा दिख रहा है और देखने में ऐसे लग रहा है भी गहरी नहीं होगी भाई। पीछे का मौसम देख प्रदीप भाई एक बार, धूप भी है, हल्की हल्की बारिश भी है, बादल भी हैं। और भाई ये सारा मिले ना चूमा थांग है, ये भी चूमा थांग है और जहाँ हम रुके हैं वो भी चूमा थांग ही है, वो एंट्रिंग वाला एरिया है और मेन गांव यही है, काफ़ी बड़ा गांव है, ये कल जाते हुए दिखाएंगे। और भाई ये वाला ब्रिज है देखो कैसे जुगाड़ू टाइप बना रखा है ना, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर ना गहराई कम है तभी तो ये पत्थर लगा लगा के ब्रिज बना रखा है क्या। बहुत कुछ देखने को मिल रहा भाई, हिमालयन होमस्टे चूमा थांग। ठीक है भाई आगे का नज़ारा आपको कल ही दिखाएंगे जब आगे जाना ही है, फिलहाल अभी आपको ना ये लकड़ी का ब्रिज दिखा देते हैं। ना 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 ला 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 आ जा जल्दी भाई, मौसम ख़राब हो जाएगा, जल्दी हो के आ जाते नहीं तो बारिश आ जाएगी। ये देखो भाई ये देखो ये लकड़ी रख रखी है लंबी लंबी पेट काट के, मतलब खुद लोकल लोगों ने बना रखा अपना उधर जाने के लिए, उधर शायद खेती वगैरह होती होगी थोड़ी बहुत। देख भाई यहाँ से दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे तरीके से। ये देखो भाई ऐसे बना रखा जुगाड़ू टाइप। चलो भाई क्रॉस करते हैं। ओह ये ना थोड़ा ऐसा टेढ़ा सा है तो मैं भी ऐसे टेढ़ा ही हो रहा। देखो भाई ये देखो टेढ़ा है ना सारा ये, और भाई मेरा वेट भी ज़्यादा है थोड़ा सा। आ जा जल्दी भाई। चलो भाई और इधर से ना जब हम वहाँ से हट रहे एक लेडी ने गायें लेके जा रही थी, ये देखो गोबर भी पड़ा है, गायें कितनी समझदार है भाई, इसके ऊपर ऊपर चल रही होंगी, साइड में इधर उधर नहीं हो रही। वो मैं बोल रहा ना पानी कम है, ये देखो पत्थर दिख रहे हैं और इधर का एरिया भी मस्त है भाई। चलो चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ भी छोटा सा ब्रिज बना दिया भाई। ये तो बंद कर रखा है, क्या चक्कर है, निकले या ना निकले, निकल ही जाते देखी जाएगी। प्रदीप भाई बंद है रास्ता तो? अरे बंद वो गाड़ी के लिए बंद है। अच्छा और जो गायें लेके आया था वो कैसे आया था? तो नीचे से आता होगा। नहीं नीचे से जगह ही नहीं थे, कहीं जगह लग रही है ये अभी बंद करके रखा होगा। अभी क्या चल चलते हैं, कोई बोलेगा कोई गिरने ना देना भाई, ऐसे ना उतर निकल। अभी देखो सब लोग देखो गौर से देखो, कुछ हिलना नहीं चाहिए ना। क्या फायदा कोई बोल देगा ऐसे, चलते हैं फिलहाल। वो भैया ने भी नहीं बताया भी रास्ता बंद होता। वो भैया ऐसा कुछ एरिया इधर आगे खाली खाली सा, ऊपर भी कुछ बनना हुआ भाई, वहाँ पर नेशनल फ्लैग नहीं बुद्धिजम का फ्लैग लगे हैं, हल्की फुल्की खेती होगी। इधर एक माने टाइप छोटा सा माने नहीं वो शांति स्तूपा सा बना रखा है, चलते हैं आगे। लो भाई ये वाला हरे घास का मैदान था भाई, यहाँ भी पानी चल रहा है, इसको टच करके देखता हूँ ये भी गर्म है या नॉर्मल ही है भाई। सारे एरिया में सीलन है, गीला पड़ा सारा कुछ, ये घास ना शायद पशुओं के लिए इधर भाई, और ऐसे कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं भाई। प्रदीप भाई ओ ज़्यादा आगे जाके फायदा नहीं है, ऐसा घास का मैदान दिख गया यहीं पर, वहाँ जाएंगे आधा किलोमीटर सेम सा एरिया है फिर वहाँ से वापस आएंगे, इससे अच्छा उधर चलते हैं। हाँ उधर चलते हैं रिवर के पास, पानी देखना गर्म है या ठंडा, ये खींच ले भाई मैं पानी चेक कर लेता हूँ ठंडा है तो, यहाँ हॉट स्प्रिंग वाला कोई चक्कर ही नहीं है। बारिश का पानी
बारिश का है। ठीक है भाई, घास बड़ी तिखी सी है, ये चमकीली सी है ना, किसी का एरिया है भाई, तभी तो उसने वहाँ पर बांध बना रखा हो। चलो भाई इधर चलते हैं, ये बो रहा है इधर बरसात का पानी, मेरे को लग रहा है ये ऐसे ही रिश्ता है, मतलब धरती में से निकलता है, ये भी सारी गीली पड़ी है बिल्कुल जमीन, इधर से नहीं इधर से चलते हैं भाई, कांटे चुभेंगे इसके। बड़ी सोहनी जगह है ना, हम वैसे ही आ गए, मैंने सोचा चलो चलते हैं, फ्री बैठे हैं और काम भी कुछ नहीं है, और शुक्र अभी बारिश नहीं आई, बट आ जाएगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी गिर रही है, दिखाता हूँ आपको, दिख रही होगी कैमरे में शायद, आपको नहीं दिख रही होगी क्योंकि ज़्यादा बारीक है ना भाई, वो ना हमारे वाला होटल कॉफ़ी आके, मैंने सोचा क्या जंगल से में से होते जाएंगे, इससे अच्छा ना यहीं पर दिखा देते हैं, बस ऐसे ही सारा और कुछ नहीं है। लो जी ये रिवर है, रिवर का किनारा है, और उधर नेशनल फ्लैग हमारा है भाई वो सामने, ठीक है बुग्याल टाइप बना हुआ है, कैंपिंग के लिए जगह अच्छी है, अगर कोई आए लगाना चाहे तो लगा सकता है, बट हमें तो वो अच्छी जगह मिल गई है जहाँ पर वो रेस्टोरेंट है, प्रदीप भाई के पास ही चलते हैं। प्रदीप भाई थोड़ी देर बैठ के चलते हैं, मौसम ख़राब हो रहा है, यहाँ भीग जाएंगे फ़ायदा कुछ नहीं है, वहीं बैठेंगे आराम से भाई लोगों के पास, क्योंकि उनका बेचारों का टाइम पास भी हो जाएगा, दोनों भाई बैठे रहते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी जाग जाते हैं, कभी बैठे रहते हैं, टूरिस्ट अभी कम ही है ना इसलिए उनका मन नहीं लग रहा, वो तो कल बोल रहे थे अच्छा वो आगे हमारा मन भी लगा रहेगा, बाकी बहुत अच्छे ना प्रदीप भाई, बहुत बहुत बढ़िया कसम से यार, मतलब हम ये नहीं बोल रहे अभी वहाँ रह रहे हैं ना इसी चक्कर में नहीं बोल रहे, मतलब दिल से बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे हैं सच्ची कसम से, बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब देखो जो जब मैंने बोला ना मेरे को भूख लग रहा है, खाना एक्चुअली इतना था नहीं, वो जैसे जैसे कुछ जुगाड़ करके मेरे को दाल चावल दे दिया, मतलब अलग ही है, मस्त है लोग, मज़ा आया। ठीक है फिलहाल यहाँ ये कुछ रिवर का नज़ारा भाई ये व्यू बड़ा तगड़ा लगता है मेरे को, सूर्य दिख रहा है ना सामने से, हाँ नेशनल फ्लैग भी दिख रहा है, जूम करके देखूँ, हाँ वो हल्का हल्का सा दिख रहा है वो वाला। चल फिर थोड़ी देर बैठ के चलते हैं भाई, क्योंकि मौसम आपको पता ना ख़राब हो रहा है तो भीग जाएंगे। ठीक है लो जी काफ़ी टाइम यहाँ बैठ लिया, रील वगैरह बना लिया, अभी चलते हैं क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। चल प्रदीप भाई चलते हैं, अभी सीधा जाके ना वहीं मिलेंगे, बाकी आते हो आपको सारा दिखाई दे ब्रिज वगैरह। लो जी पास ही पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के, और भाई ये देखो लो जैसे जैसे शाम हो रही है ये धुआं दिखने लग गया भाई, ये देखो यहाँ भी पानी नीचे से उबल रहा है चारों तरफ, वो देखो आगे भी धुआं निकलने लग गया, शाम को दिखाऊंगा अच्छे तरीके से जब थोड़ा और ठंडक हो जाएगा ना, फिर इधर भाप ही भाप दिखेगी भाई। ठीक है अभी मिलते हैं बाद में भाई, काफ़ी देर से ना यहाँ पर खड़ा हूँ मैं ताकि थोड़ा सूर्य देवता नीचे जाए और अच्छा सा व्यू दिखे, बट फिर मैंने सोचा दो मिनट में बादल हो जाते हैं कभी ये व्यू भी ख़राब हो जाए, तो अभी आपको दिखा देता हूँ मैं जो भाप निकलती है ना यहाँ पर और जो हॉट स्प्रिंग है वो वाला दोबारा दिखा देता हूँ भाई अच्छे तरीके से। यहाँ पर रुका और काफ़ी देर से, सबसे पहले इधर का व्यू देखो, सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं भाई, और ये वाला व्यू बता रहा था मैं सामने देखो भाई, जहाँ पर मैं नहाया था ना अब पानी थोड़ा ज़्यादा उबर रहा, पहले कम उबर रहा था, इधर डोगी है जी इनका डर इनका पता भी नहीं लगता है कि अब तक कब काट ले, अब देखो भाई कितना पानी उबर रहा है हर जगह से, अब ज़्यादा उबर है कल से वो। लो भाई काफ़ी टाइम से ना यहाँ चारों भाई बैठे थे, पूरी बातें मार रहे थे अपने पुरानी नई सब कुछ, मतलब एक दूसरे में रुझे हुए थे, रुझे मतलब एक दूसरे की जानकारी ले रहे थे कैसे क्या हिसाब किताब है,
तो अभी काफ़ी टाइम हो गया, फिर याद आया अभी खाना भी बनाना है, तो अभी भाई लोग खाना बना रहे हैं तो हम भी यहीं बैठते, भी खाना बनता, खाना खा के जाएं कैंप की तरफ। तो ठीक है, किधर गया था प्रदीप भाई? मेरा वीडियो 80% हुआ, फिर जीरो हो गया। इसको अपडेट कर ले, इधर दिखा। नहीं अपडेट नहीं हो रहा है ना, इसमें दिख रहा है अपडेट नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो 8% अभी हुई है अपलोड, 1% हुआ है। चलो हो जाएगी।